अगर लाइमलाइट में बने रहना सीखना है तो हर बॉलीवुड एक्टर्स को उर्वशी रौतेला से क्लासेस लेनी चाहिए। भले ही इस हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस को फिल्मों में पहचान नहीं मिल पाए, लेकिन कभी किसी बयान से तो कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ इनके अफेयर के चर्चे होने शुरू हो जाते हैं। आज जानेंगे मिस यूनिवर्स उर्वशी रौतेला के सीक्रेट अफेयर्स के बारे में। हाल ही के कुछ दिनों में जब उर्वशी ने जब ऋषभ पंत को बच्चा कहकर बुलाया तो बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट इंडस्ट्री तक बवाल मच गया। दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई गई, लेकिन एक वक्त वो भी था जब इन दो खूबसूरत चेहरों के नए नए इश्क की बातें हर तरफ हुआ करती थी। जब क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ उनका नाम जुड़ा तो दोनों के ही फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। उर्वशी और ऋषभ को देर रात डिनर डेट के लिए जाते हुए देखा गया था। जब दोनों को जुहू के इस्टेला में डिनर करते हुए देखा गया तो इन दोनों की हर तरफ बातें शुरू हो गई। उर्वशी एक बड़ी क्रिकेट लवर है। इस बात का पता यूं भी चलता है कि अक्सर उनका नाम एक नए क्रिकेटर से जुड़ जाता है। उनका नाम ऋषभ पंत से जुड़ा और फिर उनको हार्दिक पांड्या के साथ भी स्पॉट किया गया। जब उर्वशी की फोटोज हार्दिक और उनके बड़े भाई के साथ वायरल हुई तो उनके फैंस में ये बात फैल गई कि जल्द ही हार्दिक और उर्वशी एक दूसरे से शादी करने वाले। इन दोनों के डेटिंग की खबरें हर तरफ थी जब इन्हें मुंबई की पार्टीज में भी स्पॉट किया गया, लेकिन इस बात पर उर्वशी काफी भड़क गई थी और उन्होंने इस बात को एक अफवाह बता दिया था। उर्वशी के लिए लिंकअप की खबरें आना एक आम बात है, लेकिन वो कभी इसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करती। एक बार बिना नाम लिए उन्होंने कहा था कि उनका पिछला बॉयफ्रेंड उन्हें राजकुमारी की तरह ट्रीट करता था, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था। उनके दोस्त अक्सर कहते थे कि तुम वेल सेटल्ड हो, किसी अमीर लड़के को कर शादी कर लो, लेकिन उर्वशी चाहती है कि वो जिस रिश्ते में जाएंगी उसमें वो खुद एक रिच बॉयफ्रेंड होंगी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आखिर उन्होंने ये बात किस आदमी के लिए कही थी। उर्वशी का नाम वैसे तो एक्टर साहिल खान के साथ भी जुड़ा था। इन दोनों को कई बार वेकेशन पर साथ जाते हुए भी देखा गया। साहिल खान एक लैविश लाइफ जीते हैं, उनको फिटनेस वर्ल्ड के लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं और इसी से उनको करोड़ों की कमाई होती है। साहिल का रिश्ता भी कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ा रहता है, लेकिन सभी का ध्यान उन पर तब आया जब उन्हें उर्वशी के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां ये दोनों वेकेशन के लिए दुबई जा रहे थे। हैरान करने वाली बात है कि उर्वशी पर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मिका सिंह का भी दिल आ चुका है। 17 साल की छोटी सी उम्र में मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनने वाली उर्वशी ने मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर से लेकर मिस एशियन सुपर मॉडल तक का ताज अपने नाम किया है। इनके टैलेंट और खूबसूरती पर जब मिका सिंह फिदा हुए तो हर तरफ इनकी बातें होने लगी। मिका सिंह ने ये तक कह डाला था कि वो सनम रे वाली हीरोइन उर्वशी रौतेला से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उर्वशी ने सीधे बोल दिया था कि वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। एक बार उर्वशी का नाम जुड़ा एक और क्रिकेटर के साथ, लेकिन इस बार उनका नाम इंडिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ जुड़ा है। दरअसल उर्वशी दुबई में हुए एशिया कप के इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए दोनों मुकाबले देखने पहुंची। यहां से उर्वशी का एक वीडियो कुछ यूं वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नसीम शाह भी दिख रहे हैं। इसमें नसीम शाह मुस्कुराते हैं, जिसके बाद उर्वशी शर्म से लाल हो जाती है। इस क्लिप के वायरल होने के बाद से इन दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारा कोई भी कंटेंट आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया।